वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ जीके और जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन के लिए और अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे जिसमें कि आपको जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे जो भी वीडियो डालें। ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को गिवन द रिकॉग्निशन ऑफ विच कंट्री हैट, मतलब यूनेस्को का पहले ये जानिए कि यूनेस्को क्या करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस कंट्री के हेड को यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दिया है, उसको पहचान दी है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेड क्वार्टर जो है पेरिस में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस। इसका देखिए काम क्या है, यूनेस्को का जो वर्क है, यूनेस्को का काम है कि किसी भी मतलब वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना इसका काम है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो यूनेस्को ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है तो उसमें कल्चरल साइट की अगर बात करें हम लोग, अगर कल्चरल को देखें तो कल्चरल साइट में इंडिया में जो है ये टोटल 29 साइट जो है 29 साइट को जो है कल्चरल हेरिटेज में रिकॉग्नाइजेशन किया है यूनेस्को ने। नेचुरल साइट की बात करें, देखिए इसमें तीन तरह का होता है, या तो कल्चरल रूप से करता है, या तो नेचुरल करता है, या तो मिक्स्ड रूप से साइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो कल्चरल में टोटल 29 किया है, ठीक है, और नेचुरल में जो है टोटल 7 किया है, और मिक्स में जो है यूनेस्को ने एक साइट को किया है जो कि कंचनजंगा है। ठीक है, तो इंडिया में जो कंचनजंगा है वो यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज में लिया गया है, लेकिन वो एक मिक्स्ड साइट है। अगर कल्चरल साइट की बात करें तो उसमें देखिए हम आपको जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं, जैसे जंतर मंतर है जयपुर का, कुतुब मीनार है दिल्ली का, ताजमहल है आगरा का, आर्कियोलॉजिकल साइट है जैसे नालंदा का जो 2016 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। तो ये सब जो जगह है जैसे अहमदाबाद सिटी है जो कि ओल्डेस्ट सिटी है, तो ये सारे 2017 में अहमदाबाद को किया था, तो इन सब जगहों को यूनेस्को ने प्रोटेक्ट किया है, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो है कल्चरल हेरिटेज के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसी तरह जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड में जो हैट है, जो हैट को रिकॉग्नाइज किया है, तो किस कंट्री के हैट को रिकॉग्नाइज किया है? देखिए पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है पनामा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पनामा। जो पनामा कंट्री है उसके हेड को जो है, उसके टोपी को जो है यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, उसे एक कल्चर के रूप में माना है। तो इसको, इसका सही आंसर जो है पनामा। एक रिसेंट करंट अफेयर का बारे में बताते हैं आपको, 30 जून को जो है ये करंट अफेयर 30 जून का है। तो उसमें क्या हुआ था कि यूनेस्को ने जो है चार जो है वर्ल्ड के हेरिटेज साइट को इंक्लूड किया उसने, तो चार जो है कल्चरल साइट को इंक्लूड किया, तो उसमें जो है चार में एक साइट जो है वो इंडिया का था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि रिसेंटली जो है, रिसेंट का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है रिसेंटली जो है यूनेस्को ने किसे अपना कल्चरल साइट के रूप में इंक्लूड किया है, जोड़ा है, तो उसमें जो है विक्टोरिया गोथिक एंड आर्क डेको, विक्टोरिया गोथिक एंड आर्क डेको को जो कि मुंबई में है, उसको जो है यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में 1 जुलाई 2018 से इंक्लूड कर लिया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको।
तो इसको जो है कल्चरल साइट के रूप में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है इंडिया से। और बाकी जो है चार साइट, जैसा कि हमने बताया आपको कि चार साइट को लिया, तो उसमें ईरान से लिया है, जापान से लिया है, कोरिया से, तो इन तीन कंट्री से भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। तो ईरान से सेसनेट आर्कोलॉजिकल्स है, और जापान से हिडन क्रिस्टन साइट है उसको रिकॉग्नाइज किया है, और कोरिया से जो है सांसा बुद्धिस्टिम माउंटेन को किया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पूछे जा सकते हैं यूनेस्को से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हमने इस क्वेश्चन के साथ कवर कर लिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यूनेस्को ने जो रिसेंटली जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑर्गेनाइज किया था, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया था? तो ये जो है किया था मनामा में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। और यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोटल कितना कल्चरल साइट है इंडिया में? 29 है। ठीक है, नेचुरल 7 है और मिक्स्ड 1 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स का देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एकदम बिल्कुल सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है एड्स का फुल फॉर्म है। तो ये सही आंसर है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। देखिए इसमें और दिया एक्वायर्ड इम्यूनो डाइट सिंड्रोम, ये गलत है, एक्टिवेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये दोनों जो है गलत है। ठीक है, ये सही नहीं है, और केवल एक यही सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको बता दें कि ये जो एड्स है, ये आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह का डीजे, बैक्टीरियल है कि वायरल है कि प्रोटोजोअन है। तो ये जो है एड्स जो है आपका एक वायरल डिजीज है। एड्स क्या है? आपका एक वायरल डिजीज है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ललिता बाबर, ललिता बाबर के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ललिता बाबर जो है कौन सा स्पोर्ट खेलती है, कौन सा गेम खेलती है? देखिए पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है रेसलिंग, तीसरा है लॉन्ग डिस्टेंस रनर जिसको स्टेपल चेज जो है, स्टेपल चेज इसमें ऑप्शन में दिया है, जिमनास्टिक्स, तो स्टेपल चेज वही बाधा दौड़ जो होती है उसको बोला जाता है। तो ये जो है ललिता बाबर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, 3000 मीटर रनर है। ठीक है, तो ये लंबी दूरी का एक धावक है, तो ये चीज़ इसका करेक्ट आंसर सी है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ललिता बाबर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करती है, 3000 मीटर से का रनिंग करती है, स्टेपल चेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग वॉर्म इज ए डिजीज, कौन सा डिजीज है? रिंग वॉर्म जो है जिसको कि आप बोलते हैं दांत खुजली इस तरह का, तो रिंग वॉर्म जो है किस तरह का डिजीज है? पहला ऑप्शन है वायरल डिजीज, दूसरा है बैक्टीरियल डिजीज, तीसरा ऑप्शन है फंगल डिजीज, और चौथा है प्रोटोजोअन डिजीज। तो देखिए जो रिंग वॉर्म है ये आपका फंगल डिजीज है, फंगल है, फंजाई से फैलता है, तो इसको याद रखिएगा कि रिंग वॉर्म जो है आपका क्या है? एक फंगल डिजीज है, फंजाई से फैलने वाला डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करंटली हाउ मेनी आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव, करंटली हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, भारत के संविधान में हैं? तो देखिए जो पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो स्टार्टिंग में था, तो उसमें जो है बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे नए नए आर्टिकल्स जोड़े गए। ठीक है, तो अभी जो है करेंट में अगर पूछा जाए कि अभी करेंट में कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो देखिए ऑप्शन है पहला 450, दूसरा 350, 440, 448। तो इसका सही आंसर जो है डी है, करेंटली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 448, तो इसको याद रखिएगा 448 आर्टिकल जो है अभी करंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, हु गिवन टाइटल महात्मा टू गांधी जी, जो गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर,
राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने दिया था महात्मा के टाइटल को, महात्मा की उपाधि? तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। और चूंकि जानते हैं आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक अच्छे टीचर के रूप में, इसको महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव बोला था। और उसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी को जो है मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, ठीक है। इन महात्मा मतलब महान आत्मा, स्पिरिचुअल सोल, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ये 1915 में दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा की उपाधि। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को किसने दिया था, तो सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आविष्कारक से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हु इन्वेंटेड प्रोटोन, प्रोटोन की खोज किसने की? तो देखिए ऑप्शन है चैडविक, जे.जे. थॉमसन, गोल्डस्टीन, न्यूटन। तो इसमें देखिए जो चैडविक है, चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने। तो ये न्यूट्रॉन की खोज किया था, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। जे.जे. थॉमसन देखिए सेकंड ऑप्शन है, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गोल्डस्टीन, यस, ये गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। तो सही आंसर होगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर जो है सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो देखिए 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर जो है 12 होगा, जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है ये 12 होगा, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जर्मन सिल्वर, देखिए जर्मन सिल्वर का क्वेश्चन बार बार आता है, इज एलॉय ऑफ, किसका एलॉय है, ठीक है। इसमें एक्चुअली बात बस इतना सा याद रखना है कि इसमें सिल्वर लगा हुआ है, तो इसमें सिल्वर है लगा हुआ, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार ये पूछा जाता है कंपटीशन में। इसमें जर्मन सिल्वर के नाम में सिल्वर है, लेकिन सिल्वर इसके कंस्टिट्यूएंट में, इसका जो जिससे ये बना होता है उसमें सिल्वर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर दिया गया है कि सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर जलवायु कॉपर जिंक सिल्वर, सिल्वर है तो नहीं होगा, सिल्वर निकल एल्यूमिनियम सिल्वर है तो नहीं होगा। अब फिर चलते हैं कॉपर जिंक टीन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर है कॉपर जिंक निकेल। तो जर्मन सिल्वर किसका बना हुआ है, कॉपर जिंक और निकेल, जिसका सही आंसर है कॉपर जिंक निकेल। इन सारे चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं, सही अनुपात में मिलाते हैं, तो आपको जर्मन सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर्स का, ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसका यूनिट है, ठीक है, इसका यूनिट किसका है, कौन सा यूनिट है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का? तो इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कौन सा इसमें यूनिट है, ठीक है। तो देखिए मोल पहला ऑप्शन दिया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना मात्रा है किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको जो है मोल में मेजर करते हैं। कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो कैंडेला होगा, ठीक है, तो ये सही आंसर है। फिर देखिए एम्पियर दिया है, ये करेंट का यूनिट है, और केल्विन जो है आप लोग जानते हैं तापमान का है, टेम्परेचर का है, तो इसका सही आंसर होगा कैंडेला। तो देखिए यूनिट, यूनिट से रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन रहेगा आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप लोग। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वो है कैंडेला, तो इसको याद रखिएगा, कैंडेला इसका सही आंसर है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे, अच्छा लगा होगा इन सारे क्वेश्चन को देखकर। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल्स को। ठीक है, सब्सक्राइब करें और ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले चैनल से रिलेटेड। ठीक है, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।